थाना प्रभारी मनोज कुमार का एक और सराहनीय कार्य सामने आया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक एस आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी पुवावा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत शाहजहांपुर की बंडा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग जगह पर कच्ची देशी शराब बनाने वालों को शराब बनाते समय 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से शराब बनाने के उपकरण समेत तकरीबन 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि जब से बंडा थाने का कार्यभार इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने संभाला है, तब से लगातार पुलिस क्षेत्र में अपराध करने वालों पर बंडा पुलिस ताबड़तोड़ कार्यवाहियां कर रही है। इसके साथ ही बंडा में अवैध काम करने वालों में खलबली मची हुई है, जहां कुछ तो अंडरग्राउंड हो गए, बाकी बचे आरोपियों को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल ज्यादातर चुनाव के समय ही शराब की बिक्री तेज हो जाती है, जिसकी वजह से अवैध शराब बनाने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। इस सिलसिले में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस बल की अलग अलग टीमें बनाकर क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों को शराब बनाते समय गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से अवैध शराब बनाने के उपकरण सहित कई लीटर शराब बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस ने मौके पर लहन को नष्ट किया है और साथ ही बंडा पुलिस ने 3 वारंटियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हाँ, क्या नाम है भाई तुम्हारा? नाम क्या? रामपाल। रामपाल। पिताजी का नाम? प्यारे राम। प्यारे राम। कहाँ के हो? रामतावर। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? रामपाल। पिताजी का नाम? कहाँ के हो? भगवंतापुर। भगवंतापुर के। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ के हो? पिताजी का नाम क्या है? अरे तुम्हारा क्या नाम है? नाम क्या है दादा तुम्हारा? नमरेश। पिताजी का नाम? ये मेरा पैर टूट रहा है। आगामी होली और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत जो निरोधात्मक कार्रवाइयां चल रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से अवैध शराब और अवैध असलहे, इनका प्रोडक्शन करने वाले और इनका विक्रय करने वाले, इनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है, उसमें थाना बंडा पुलिस को कल एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा मुखबिर के की सूचना पर ग्राम तिंदुआ नगरिया में दबिश देकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से ये भारी मात्रा में बने हुए असलहे, जिसमें 2 अदद तमंचे 315 बोर के हैं, 2 अदबने तमंचे हैं, इसके अलावा 3 नाल है 315 बोर के और 12 बोर के, इसके अलावा राइफल्स बने हुए हैं। तो इस तरह से तमाम जो बने और अदबने असलहे और उनके बनाने के उपकरण, ये सभी सामग्री इत्यादि बरामद हुई है। इनमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, रतिराम और रामू। ये दोनों पूर्व में भी इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहे हैं, जिनमें जिनका आपराधिक इतिहास भी है। तो इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना बंडा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जहां जहां इन्होंने इन असलहों की विक्रय की है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली है, जिसके आधार पर हमारी कार्रवाई जारी है। शाहजहांपुर से KKD न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट।